अलावा अल्लाह ताला ने फरमाया कुफार की जो बरज़खी ज़िल्लत है कि दुनिया में जो उनको नाकामी हुई और वो कुफार को ज़िल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा, वो तो करना ही पड़ा। फरमाया वलौ तरा इद यतवफ्फा अल्लज़ीन कफरू अल मलाइका तो यद्रिबून वुजूहहुम व अदबारहुम का आप काश के वो देखते कि जब ये मरते हैं ना, इनकी मौत वाकई होती है तो उस दिन फरिश्ते जो हैं इनके मुंहों पर और इनकी पुश्तों पर मार रहे होते, यानी यहां से ये जाते हैं तो इनको मार पड़ रही होती। गोया अब देखें, इंसान जब मरता है तो मौत से लेकर हशर तक का जो ये मरहला हयात है इसको बरज़ख कहते हैं। यहां हम दुनिया में, बाद में हशर से जब हशर के लिए उठेगा फिर आखरत है, आलम आखरत। आलम आखरत और आलम दुनिया के दरमियान में आलम बरज़ख है, जो कब्र के अंदर रहना है वो आलम बरज़ख है। तो बरज़ख के बारे में बहुत सारे लोगों को गलत फहमी है कि वो कहते हैं जी अजाब कब्र का जिक्र अहदीस में आया, कुरान में नहीं आया। अब देखें जब फौत हुए तो मार पड़ रही है पुश्तों पर भी और मुंहों पर भी, ये कहाँ मार पड़ रही है? यहाँ से तो सही सलामत जा रहे होते हैं, यहाँ तो मार पड़ती नहीं नज़र आ रही होती, तो ज़ाहिर है कि ये कब्रों में ये बरज़ख के अंदर ज़िल्लत है। लिहाजा ये जगह जब जगह पर कुरान हकीम में इशारे हैं। इसी तरह आले फिरौन के बारे में पहले बात हुई कि जब वो फौत होते हैं तो उनको उसी दिन जो है वो मार पड़ना शुरू हो जाती है और अज़ाब आता है, अल्लाह ताला मुआफ़ फरमाए।